इधर देखें क्या लेना अच्छा जी, आज हम लोग जो है संडे है और हम लोग घर की चीज़ें लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सब्जियां लेंगे और घर की दो तीन चीज़ें और लेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने मुस्तफ़ा के लिए कुछ लेना है, वो आप लोगों को बताएंगे हम लोगों ने क्या लेना है। तो आगे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या शॉपिंग करते हैं। मेरे बेटे की साइकिल टूट गई है मुस्तफ़ा की, हैं और ये दोनों जो है आप लोगों को साइकिल नहीं देते, ये देखें जी मुस्तफ़ा की साइकिल टूट गई है और इसने चला चला के ये साइकिल अपनी तोड़ दी है, तो अब कह रहा है कि बाबा मेरी साइकिल टूट गई है। तो अब अच्छा तो अब हम क्या करते हैं इसके लिए, क्या कर सकते हैं, क्या क्या कह रहे हैं? ना ये ज्यादा बेहतर है, किसी को रिपेयर करा दें, है ना मुस्तफा? एक मुस्तफा आप क्या कहते हैं, इसको रिपेयर करा दें, हैं? शायद मिल भी जाए। मुस्तफा आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? न्यू साइकिल। गोशफत माँ आप क्या कहती हैं? इसके वो नीचे साइकिल पड़ी है, वो ले आओ। जो नीचे पड़ी है वो ले आए। अच्छा, और मामा आप क्या कहती हैं? सरप्राइज है मुस्तफा के लिए भी, सरप्राइज है। तो चलें ठीक है, व्यूवर्स देखते हैं कि आज हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या सरप्राइज है। मामा ने कहा है सरप्राइज है, मूसा ने कहा है कि पुरानी वाली कर देनी चाहिए, गोश फातमा ने कहा है कि जो नीचे पड़ी है वही ले लें, और मुस्तफा कहता है कि मुझे नई साइकिल लेनी चाहिए, और मैं इन सब के साथ जो होगा होने दो, देखा जाएगा। चलो तो जी व्यूवर्स, अब हम चल रहे हैं और जाते हैं और चीज़ें लेकर आते हैं, देखते हैं क्या क्या लेना हम लोगों ने। पहले तो सब्जी लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कुछ और लेंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा हम लोगों को साथ साथ। मामा जी, खाना घर पे ही खाएंगे कि बाहर आके खाएंगे? जैसे आप कहेंगे, खाना घर पे भी है और अगर आपने बाहर खाना है तो बाहर खा लेंगे। बच्चों से भी पूछ लें, बच्चों बाहर ही खाना है कि घर पे खाएं खाना? कहीं भी खा लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, बाहर पे ही खा लेते हैं। आप अपनी ग्लासेस तो ठीक करें पहले, आप अपनी ग्लासेस देखें कैसी आपने पहनी हुई है, सीधी करें ग्लासेस, फिर टेढ़ी। अगोश फात में ऐसे ना किया करें आप बिल्कुल। जी, ये बिल्कुल सामने इंजन लगा हुआ है जिसकी वजह से इसको रेलवे कैरिज कहते हैं और इसको रेलवे कैरिज की मंडी भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इस साइड पे आप लोगों को दिखाते हैं, आप इस साइड पे देखें कि सब्जियां कितनी लगी हुई है, शुरू हो गई है मंडी, और यहाँ पर अच्छे अच्छा सामान मिलता है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो जी व्यूवर्स, हम लोग जो है वो अपनी जहाँ से हम लोग सब्जी लेते हैं वहाँ पर हम लोग आ गए हैं, और मोहम्मद मूसा जो है हमेशा अपने मूड में रहते हैं, वो पीछे बैठे रहते हैं सुकून से, इनको कोई पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बच्चे जो है गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी को बिल्कुल तंग नहीं करना, बिल्कुल कोई गियर शेयर नहीं छेड़ना, कुछ नहीं छेड़ना, समझ आ उनको? ठीक है, और हम लोग जो है ना सब्जी ले रहे हैं। ठीक है, सब्जी लेकर अभी आते हैं। ओके, सब्जी लेने के लिए उतर गए हैं और अभी हम लोग सब्जी लेते हैं यहाँ से, यहाँ से हमेशा लेते हैं। और वैसे लेना क्या क्या है? प्याज, टमाटर और सब्जी। हम हमेशा अंकल से सब्जी लेते हैं, बड़ी मज़ेदार इनके पास सब्जी होती है। बैंगन है, घिया है इनके पास, और शिमला मिर्च, चुकंदर, करेले, धनिया, धनिया, अरबी, आलू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? चाचू नहीं नज़र आ रहे आज? अच्छा, क्या हुआ उनको? अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर। और मैं वो लेनी हूँ टमाटर। अच्छा, ये एक कप से कम शिमला मिर्च, एक नॉर्मल साइज लेनी है। शिमला मिर्च किस लिए लेनी है? मैं आपको चाइनीज बनाती हूँ। क्या बना के दोगे? दोबारा था ना? अच्छा, पालक है जी।
कचौरियाँ। खीरा, अभी हम लोगों ने टमाटर ले लिया है, आलू ले लिया है, गाजर ले लिया है। लेमन भी कैसे दे रहे हैं? लहसुन कर दें, थोड़ी सी अदरक भी जरा कर दें, और लहसुन लहसुन भी साबुत वाला कर दें। अच्छा व्यूअर्स, पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लेते थे, जैसे 5 किलो प्याज ले ली और 5 किलो आलू ले लिए, लेकिन अब बरसात का मौसम है तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए हम सब्ज़ी थोड़ी नॉर्मल लेते हैं, और सब्ज़ी की भी वो क्वालिटी नहीं रही कि जो है वो सब्ज़ी देर तक चले। तो एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता अगर जो चीज़ चल जाए, हम लोग इसी लिए उतनी क्वान्टिटी चीज़ ले रहे हैं। जैसे फ्रिज में टमाटर रखने होते हैं, लाइट इतनी जाती है, आप लोग टमाटर भी देर तक नहीं रख सकते, तो 1 किलो टमाटर ले लें जो आपके घर के अफराद के मुताबिक चीज़ ठीक रहे। तो नॉर्मल सब्जी, नॉर्मल सब्जी लेते लेते 1000 रुपये की सब्ज़ी इन्होंने फिर भी ले लिया। बातें करते हैं कि जी ये चीज़ नहीं रुकती, वो चीज़ नहीं रुकती, लेकिन फिर भी हमारा खर्चा होता ही रहता है। 1000 रुपये की सब्ज़ी ले ली है मैंने। तो जी हम लोगों ने सब्ज़ी ले ली है और अब हम फ्रूट की तरफ जा रहे हैं। फ्रूट की तरफ जा रहे हैं, वैसे हम लोगों ने रात को फ्रूट लिया है। हाँ, कुछ हमने तो फिर भी देखते हैं। मीठे लिए, मीठे कितने के लिए आपने वो भी बता दी तरह? मीठे मैंने जी 120 रुपये किलो के हिसाब से लिए हैं, सॉरी दर्जन के हिसाब से, किलो तो मिलते ही नहीं है, तो दर्जन के हिसाब से लिए हैं। और अब देखते हैं, मीठे तो ले लिए हैं, अगर कोई और चीज़ लेनी हो तो वो लेते हैं। एप्पल जी मैंने लिए हैं 150 के हिसाब से। हाँ जी बिल्कुल 150 के हिसाब से। और मैंगो मैंने लिया है जी 200 के हिसाब से। ग्रेप्स, और ग्रेप्स मैंने लिए हैं जी 300 रुपये के हिसाब से, तो आधा किलो लिए तो 150 रुपये के मुझे ग्रेप्स मिले हैं। चलो जी व्यूअर्स, फिर भी कुछ देख लेते हैं, थोड़ा बहुत फल अगर कोई हुआ तो ले लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। आप ही क्या ले रहे ठीक है? जैसे आम तो वैसे मैंने ले लिया है, लेकिन देखो मैं देखना कौन सा है मेरे पास। जी ऐसा जो होता है अच्छा वाला है जी। अच्छा, एक नंबर, एक नंबर किसी के पास है? असल कौन सा है? मुझे तो नहीं लग रहा असल से है। कौन सा असल ना हुआ, मैं आपको डबल पैसे दूंगा। पकी बात है, ऐसा पिछली दफा भी होता है, अंदर से गला हुआ निकलाया था आम। अच्छा चलो, और ये कौन सा है? ये मरदान का कौन सा है? अच्छा, खुर्शीद शाह के बाप का है, मुल्तान शरीफ। खुर्शीद शाह के बाप का बाप? बाप। अच्छा, बाप का। अच्छा, तो इसका हम दुबई कतर और एक्सपोर्ट हो रहा है, ये वो महंगा। अच्छा, सेब अच्छा लग रहा है यार तेरा। सेब भी अच्छा, मैं भी अच्छा हूँ, मेरा गरमा भी अच्छा है। नहीं तू तो अच्छा ही है, ये तो मुझे पता है, तू तो शुरू से अच्छा है। गरमा भी शीरा अच्छा हमारे पास आज आम लगाया हुआ है। अच्छा, और है अच्छा सेब है, आलू है, गरमा शीरी लगाया हुआ है। अच्छा, आम कौन सा भी है? असल से पैच कौन सा? किस तरह दे रहे हो ये? मुनासिब रेट है। मुनासिब रेट है। अच्छा, मुनासिब रेट में कितना? 250 रुपये किलो लगेगा। और तेरी खैर, 250 रुपये किलो जी जी। और गरमा? गरमा शीरी, गरमा मीठा गलती के साथ। ये किस तरह है? ये आपको 200 रुपये किलो लग जाएगा। 200 रुपये किलो जी जी। और अंगूर? अंगूर ये 100 रुपये पाओ है, ये वाला 80 रुपये। चल ठीक है, मैं नुमान खुल लेता हूँ मैं इंशाल्लाह दोबारा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अच्छा मेरा सुना दी, और अगर मैंने फल लेना होगा तो मैं दोबारा आ लूँगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो जी व्यूवर्स, अभी मैंने आप लोगों को अपने फल वालों से मिलाया, ये बहुत ख्याल करते हैं हमेशा, जो अच्छा फल देते हैं, और भाई साहब नहीं थे तो फल भी मैंने नहीं लिया, लेकिन क्योंकि मैंने रात को ले लिया हुआ था, और आप लोगों को रेट भी बता दिए किस तरह मिल रहा है। तो अब इंशाल्लाह आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे जी। अब बच्चों बात सुनो जी, फिर क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? सरप्राइज। सरप्राइज करना है फिर? यस। तो फिर मुस्तफ़ा के लिए जो है हम लोग नई साइकिल ले लें मुस्तफ़ा के लिए, हैं? बताएं, नई साइकिल लेनी है कि वही चलानी है, उसी को ठीक कर लें? न्यू। और जो है अगर हम लोग नीचे से बेसमेंट से आपकी साइकिल निकाल लें, वो जो थोड़ी सी खराब सी है उसको सेट सूट कर लें, तो न्यू वाली लेनी है? हाँ। तो पैसे कौन देगा न्यू वाली के? हैं? मैं दूंगा। तो आपके पैसे कोई बच्चे पड़े हुए हैं? मुस्तफा आपके भी थोड़े से हैं पैसे, तो फिर हम आपके पैसों के ले लें। हाँ। अच्छा हाँ। वो बाबा की बचत करा दिया आपने। चलें जी हम लोग साइकिल लेते हैं, तो हम इससे मजाक कर रहे हैं। तो चलें जी, फिर आप ये कह रहा है कि जी मैंने साइकिल लेनी है, तो फिर हम लोग साइकिल ही लेते हैं जी। चलें अब मार्केट जाते हैं साइकिल वाली, और वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं जी क्या क्या चीज़ें, कौन सी साइकिल हम इसके लिए लेते हैं। सामने आपको ये ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन नज़र आ रहा है, और ऑरेंज ट्रेन लाहौर के सिटीजन्स के लिए काफ़ी इसका बेनिफिट है, यूज़ करते हैं लोग। कई दफ़ा यूसुफ़ ने भी इसको यूज़ किया है अपने ऑफिस जाने के लिए, तो ये एक अच्छी सर्विसेज है। इसको जो है लक्ष्मी चौक भी कहते हैं, इसको
ये जी बट की जो है यहाँ पर बेशुमार आप देख सकते हैं कि शॉप्स हैं, नज़र आ रही होंगी आपको, बट कढ़ाई, बट स्वीट्स, हर तरह की कढ़ाई शढ़ाई आपको यहाँ पर मिलती है। तो जी बातें करते करते जो है वो पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, तो पेट्रोल हम लोग डलवा लें इससे पहले कि हम लोग कहीं रुक जाएँ। तो जी पेट्रोल पम्प भी आ गया, ये सामने पेट्रोल पम्प है जी, तो चलें जी पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी के अंदर। तो जी व्यूवर्स अब हम लोग नीले गुंबद आए हैं, ये पूरी मार्केट है लाहौर की बहुत बड़ी साइकिल्स की, तो यहाँ पर अब हम इसका सरप्राइज लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसके लिए क्या अच्छी चीज़ ले सकते हैं। जी हम लोग साइकिल मार्केट आ गए हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसको नारकली और नीला गुंबद भी कहते हैं। तो देखते हैं बच्चे अंदर गए हैं साइकिल लेने के लिए, कौन सी साइकिल पसंद करते हैं। नहीं बाइक नहीं, साइकिल लेनी है, साइकिल जो भी लेनी है। इसके साइज की साइकिल दिखाइएगा सर, दिखाएं उस तो साइकिल लेनी है हमने, ठीक है और कुछ नहीं लेना। तो जी उनके पास काफ़ी कुछ है, बाइक्स लगी हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं इनके पास। उस वक्त देखें ये कैसी है साइकिल, ये वाली जो है रेड वाली जी 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 बताएं। क्या लेना है, इधर देखें क्या कह रहे हैं, साइकिल ले लें आप ज़्यादा अच्छी है। ये तो नहीं कि आप घर से साइकिल कह रहे थे, कार देख के आप कह रहे हो कार। इधर देखें क्या लेना है, नहीं नहीं साइकिल लेनी है हमने, कार नहीं लेनी। तो जी ये काफ़ी बड़ी मार्केट है रिपेयरिंग की भी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि रिपेयरिंग हो रही है यहाँ पर, और हम लोग काफ़ी देर से मुस्तफ़ा की साइकिल ढूंढ रहे हैं बड़ा, लेकिन मिल नहीं रही। तो काफ़ी लोग यहाँ पे रिपेयरिंग भी करते हैं, ये बैठे हैं रिपेयर कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। मामा कुछ मिला, कुछ नज़र आया, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ऐसे ही है प्राइसेस बहुत हाई हैं, बहुत महंगी है। हाँ जो 5-6-7-10 हज़ार की साइकिल थी वो 14-15-16-17 हज़ार की हुई है, बल्कि 5-5 हज़ार वाली साइकिल जो है 15-15 हज़ार की हुई है। तो चलें कोई इसके लिए दूसरी प्राइस साइकिल वगैरह देखते हैं और वो लेते हैं, ठीक है। सही है, चल रही है आपसे ये हैं, सही है, अच्छी है ये हैं, कितने की है यार ये, 14.5 हज़ार रुपये की। इसके कोई पार्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकर आए चलाएं, छोड़ दे तुम, छोड़ दो बहुत क्या है हैं अच्छा नहीं जी ये साइकिल जो है हमने मुस्तफा के लिए पसंद कर ली है, रेड कलर की, बैठे हैं बीच में सारे और देख रहे हैं स्कूटीज डिफरेंट, इसलिए ये साइकिल। तो जी ये भाई ने ले ली है साइकिल अपनी, इसको अच्छी लग गई है। और मुस्तफ़ा रेड कलर अच्छा लगा आपको हैं, इधर देख के बताएं ना, ताकि हम दादों को भी बता सकें कि आपने ले ली है, तो अच्छी साइकिल आपकी। मुस्तफ़ा आपको अच्छी लगी है, इसकी रेड साइकिल अच्छी लगी है, चलानी नहीं है आपने, ठीक है आपने अपनी साइकिल चलानी है जो आपके पास है। वहाँ मुस्तफ़ा चला के दिखाएं ज़रा, चलाएं तो जी व्यूवर्स मोहम्मद मुस्तफा को बहुत बहुत मुबारक हो, इसको न्यू साइकिल मिल गई है, इसने अपनी साइकिल तोड़ दी थी, लेकिन इसने नहीं तोड़ी थी, बड़े भाइयों ने, बहना ने, आप किसने बैठ के तोड़ी थी इसकी साइकिल, इधर वो शफत में इधर देख के बताओ। हर बच्चे जब ये साइकिल चलाते हैं ना जी, तो बाहर जो बच्चे हैं वो भी साइकिल चला लेते हैं, हां ट्राई साइकिल चला लेते हैं, इसलिए अब न्यू साइकिल का ख्याल रखना है, आपने बहुत ख्याल रखना, न्यू साइकिल का किसी को नहीं देनी, खुद ही चलानी है, ठीक है मुस्तफा। चले व्यूवर्स, व्यूवर्स को बताएं आपने रेड कलर की साइकिल ली है, बताएं व्यूवर्स को, मैंने न्यू साइकिल ले ली, आपने न्यू साइकिल ले ली, वाह किधर पड़ी है आपकी साइकिल, वो पीछे पड़ी है मोहम्मद मुस्तफा की साइकिल, वाह क्या कह रहे हैं, टाइम बेटा 3:30 हो गए। तो व्यूवर्स हम लोग पैराडाइज पहुंच गए हैं, तो अब चलते हैं और खाना खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या मेन्यू है लोगों के पास, बड़ा मज़ेदार खाना होता है इन लोगों का, चलें जी। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पे है जी, ये सामने PTCL की बिल्डिंग है और
ये साथ ही इधर हाई कोर्ट की बिल्डिंग है और वो सामने आप लोगों को हाई कोर्ट नज़र आ रहा होगा और ये साथ ही मेट्रो ऑफिस है। तो ये जिसकी एंट्रेंस जाती है पैराडाइज की, तो तंदूर ये नवा किचन है, बड़े पुराने हैं। इसका मेन्यू है मुर्ग मसलम, मटन जॉइंट्स, मटन कौरमा, मटन कीमा, मटन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, चिकन बोनलेस। और ये इन का जी सीटिंग एरिया है, कस्टमर सीटिंग एरिया। हाँ जी, हाँ जी, बताएं, बैठें। अच्छा जी, तो क्या मंगवाना है? मुर्ग मसलम, मुर्ग मसलम आ गया है, बहुत ही मज़ेदार। इसको ज़रा घुमाना, थोड़ा सा घुमा के ज़रा दिखाना इसको। जी मुर्ग मसलम कहते हैं और ये बड़ा ही टेस्टी होता है मुर्गा मसाले के अंदर, बस ही बस। और साथ इसके सैलड आया है, साथ इसके रोटियाँ आई हैं, मामा भी खा रही हैं और मुस्तफा जो है वो हमें पार्टी दे रहा है साइकिल ले रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं, बहुत खुश है ये। इसी में खा ले, मैं तो कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं है आपको निकालने की प्लेट्स में, या थोड़ी थोड़ी बच्चों के लिए निकालते हैं बस। अब अच्छा ऑयल है इसके अंदर बहुत। तो जी व्यूअर्स, ये कितना मज़ेदार है। अच्छा चल बेटा तुम मौजूद है, तो हम खाने लगे हैं मज़े मज़े से। चलें शुरू करें, खोल के दिखाएं अंदर से कैसा है। ओ वाह, ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। अंदर क्या है इसके? अच्छा, इसको इसके अंदर से खोलो ना, इसके अंदर से चीज़ निकलेगी। ज़रा व्यूअर्स को दिखाते हैं, तो खोलें इसके अंदर से जो चीज़ें हैं वो निकाल लेना। बात खोलें, इसके अंदर क्या क्या है? बहुत सारी चीज़ें, अंडा है इसके अंदर, किशमिश है इसके अंदर। ये तो सरप्राइज नहीं कराया बीच में से। ये अच्छा जी, चलें जी अब सरप्राइज को खाना शुरू करें। क्या खाएं बेटा? व्यूवर्स, बच्चों ने कहा कि बाबा अब हमें जो है वो जीना गार्डन ले जाएं, तो एक साइकिल की राइड, क्योंकि मुस्तफ़ा ने साइकिल नई खरीदी है, तो ताकि हम लोग एक साइकिल की राइड ले लें। हमने कहा चलें जी आपको साइकिल चला। ये जी मिलकर इसको बिठा रहे हैं ऊपर साइकिल के, ताकि ये साइकिल चला सके भाई साहब। और ये भाई साहब बैठ गए हैं। चलें जी भाई साहब, अब आप साइकिल चलाएं अपनी न्यू वाली। चलें जी, वेरी गुड, वो चलाएं 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 चलाएं। अगोश में थोड़ा सा धक्का लगा दें ताकि चला लें, बस थोड़ा सा। चलें जी, वाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की साइकिल। चलाएं चलाएं चलाएं, गोल गोल घुमाएं, गोल गोल पूरा पैडल घुमाएं बेटा। तो जी व्यूवर्स, हम लोगों ने जो है साइकिल भी ले ली और हम लोगों ने खाना भी खा लिया, और हम लोगों के एक दो काम और भी थे, वो भी हम लोगों ने आपके सामने कर लिए। हाँ ये भी दिखाएं, टैब का कवर जो है वो जुलेखा को अच्छा लगा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। खोल के दिखाएं, हाल रोड पे गया था मैं करवाने के लिए, तो जो है उनका चैलेंज कवर भी ले लें इसका, तो अच्छा कवर है। तो जी व्यूअर्स, अब हम सारे काम करके घर जा रहे हैं। सब्जी भी ले ली, साइकिल भी ले ली, और ग्राउंड में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो है वो खाना भी खा लिया और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने साइकिल भी चला ली। तो फिर आज हमारा संडे का दिन बहुत अच्छा गया, तो इंशाल्लाह अब मामा गाड़ी चला रही हैं और कहती हैं मैंने आप लोगों को घर लेके जाना है। तो चलें जी हम लोग घर जा रहे हैं। चलें जी, आप लोग अपने व्यूवर्स को बाय बाय कह दें। गौश फातिमा मुस्तफ़ा मेरे सामने आ गए, बाय बाय व्यूवर्स, हम नए व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से जल्दी। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बाय बाय, मामा आप भी कर दें बाय बाय ड्राइव करते हुए। बाय बाय।